सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टूर्नामेंट डिटेल्स और BGMS के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील हुआ है, मतलब थोड़ा सा अलग होने वाला है फॉर्मेट, आगे बताऊंगा। फिर गॉडलाइक के बारे में कुछ न्यूज़ है, F5 ने रिप्लाई दिया क्यों वो सोल लीव किए हैं, एंड बाकी यहाँ पे कुछ और न्यूज़ है, बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैंने बताया था कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, तो एक बंदे ने मुझे यहाँ पे डोनेट किया था, 10 रुपीज़ था, बट हाँ थैंक यू सो मच भाई डोनेट करने के लिए। वेल चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं APL eSports से। सो कल उसका ग्रैंड फाइनल्स Day 1 खत्म हुआ था और स्टैंडिंग्स देख सकते हो, टीम IQ सोल टॉप पे रहे थे, 2 चिकन निकाले थे बैक टू बैक और फिनिशेस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा निकाल के रखे है। सेकंड पे कार्निवल गेमिंग, तो ये भी भाई बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन पॉइंट गैप सोल का ज़्यादा है। फिर लिमरा है, कंसिस्टेंट खेल रहे अभी, एक अंडरडॉग टीम है, एंड फिर वेनम गेमिंग ये भी कंसिस्टेंट खेल रही है, फिर हेक्टर है, NTT है, इनसेन एंड विन गॉड। तो अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 1 दिन हुआ है, सो देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। एंड आगे देखोगे तो गॉडलाइक अभी 9th पे है, फिर K9 eSports है, रैकनिंग, हैदराबाद हाइड्रास, 8bit जिनका पोजीशन पॉइंट तो सिर्फ 2 है, फिर उसके बाद SBA, ओरंगुटैन एंड WSP। तो ये Day 1 के बाद स्टैंडिंग्स रहा। और टॉप फ्रैगर देखोगे तो ड्रैगन है अभी टॉप पे टीम लिमरा से, तो सेमीफाइनल्स में ये अच्छा खेले थे, फिर उसके बाद नकुल है एंड फिर सोम है, तो सोल के दोनों प्लेयर है, फिर शैडो है इनसीन से एंड एस पावर कार्निवल गेमिंग से। तो यस कल यहाँ पे अनाउंसमेंट आ गया था कार्निवल गेमिंग का, देख सकते हो यहाँ पे एस पावर रिवील हो चुके थे। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्हीं के बारे में बात करें तो कल वो स्ट्रीम किए थे यूट्यूब पे, जहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे क्यों वो सोल लीव किए, एंड साथ में यहाँ पे कुछ और चीज़ें वो लोग बात करते हैं, जैसे क्या एस पावर और गॉबलिन वापस से सोल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं सुन सकते हो। ये इन लोगों का सबका क्वेश्चन है, इन लोगों का भी क्वेश्चन है, सोल लीव क्यों किया हमें तो पता है, तुम्हें तो पता है, लेकिन अब शुगर कोटेड टॉक्स मुझे जरा पसंद है, तो इन शॉर्ट बता देता हूँ रीजन ये था नहीं रे, क्योंकि अंदर थोड़े बहुत टीम्स में बातें वगैरह हुई, तो म्यूचुअली डिसाइड करके पार्ट वेज कर लिया दोनों ने अपना अपना साइड, तो रीजन वगैरह तो ऑफकोर्स टीम पे बता नहीं सकते, इतना कुछ बड़ा रीजन था भी नहीं यार, हमसे छोड़ा ही पावर एंड गोबू एनी चांसेस ऑफ कमबैक इन सोल, पावर के क्या पता है, गोब्लिन के चांसेस हैं, बाय द वे थैंक्स फॉर द 40 रुपीज अरूप भाई, थैंक यू ये थैंक्स फॉर द 40 रुपीज भाई, मान्य को मिस तो करोगे ना, अपने बाकी बंदे को तो मिस करे। तो यहाँ पे एस पावर ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया क्यों वो लीव किया है, बट यहाँ पे वो बताया कि कुछ यहाँ पे टीम में कुछ चल रहा था, मुझे से लग रहा कि यहाँ पे शायद टीम में कुछ अनबन हुआ होगा, सिनर्जी का कुछ इश्यूज हुआ होगा, तो जो भी सीन था वह यहाँ पे वो विजुअली यहाँ पे अलग हुए हैं और साथ में अभी भी यहाँ पे सब लोग दोस्त ही है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग पूछ लेते क्या वो वापस सोल ज्वाइन कर सकते या फिर गॉबलिन, तो ओमेगा ने बताया यस गॉबलिन का चांस है अभी भी है, बट अभी भाई यहाँ पे सोल में तो सौम्य आ चुके हैं, मतलब उनका तो फिक्स हो चुका है, तो अब नहीं, हाँ फ्यूचर में भले कुछ चेंजेस हुआ तो बात अलग है, फ्यूचर में कुछ नहीं कह सकते। एंड उसके बाद यहाँ पे गॉडलाइक के बारे में बात करते हैं, तो कल जब जेली स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे क्या कोई चेंजेस होने वाला है, क्योंकि कल गॉडलाइक ट्रायआउट से जस्टिन खेल रहे थे मैंने बताया था, सो वो क्लियर किए कि ऐसा कोई ज्वाइन नहीं करेगा, अभी यहाँ पे फिक्स हो चुका है लाइनअप, बस वो ऐसे ही खेल रहे थे क्योंकि कल रिकॉर्ड घर गए थे और जॉनथन अवेलेबल नहीं थे, वो अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है सैमसंग इवेंट पे गए थे। तो जो भी है तो यहाँ पे गॉडलाइक का लाइनअप फिक्स है, रिकॉर्ड, जॉनी, एडमिनो, पंक, जेली, तो यही खेलने वाले हैं BGMS के लिए। अब BMP ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, BGMS का परफॉर्मेंस मैटर करेगा। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे क्या जेली गॉडलाइक लीव कर देंगे एंड फिर कोच के बारे में, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं सुन सकते हो। जेली में गॉडलाइक लीव मत करना यार, कुछ भी हो सकता है यार, किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता लीव कर दूं क्या पता ना करूं। पंकर रोल क्या है उसकी एजिलिंग देखे हो, पंकर रोल इस टाइम पे एज अ ऑल्टरनेट ही है भाई उसको, और उसको कंफर्टेबल भी है वो चीज़ करना। अब देखो अभी यहाँ पे लीव नहीं कर रहे, अभी मत सोचने लग जाना, हाँ अगर यहाँ पे कुछ और इश्यूज रहता है, कुछ अभी परफॉर्मेंस वापस से नहीं आता है तो बात अलग है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। एंड अभी पंक आइजलिंग नहीं कर रहे, जेली ही आइजलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अभी सिनर्जी मतलब सब कुछ सही चल ही रहा है, स्क्रीन से भी ठीक ठाक खेलते हैं, सो होप करते हैं अभी परफॉर्मेंस आए। और शाम में स्क्रीन्स होता है, कल भी हुआ था आज भी होगा, सो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट दे दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सो कोच के बारे में, तो जल्दी बताते हैं कोच यहाँ पे अभी बूटकैंप में ही है, कुछ लोग पूछ रहे थे इंटरनेशनल कोच का क्या हुआ, तो जेनिन ने कंफर्म बताया कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोच है वो इंडिया आने के लिए तैयार नहीं थे, वो ऑनलाइन कोचिंग ही करने के लिए तैयार थे, सो इसीलिए यहाँ पे वो लोग नहीं किए, और यहाँ पे अभी इंडियन कोच ही है जो कि अभी बूटकैंप में ही है, बट वो रिवील नहीं कर सकते हैं, अब जब भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा वो यहाँ पे मैनेजमेंट देख लेगी। एंड इसके बाद अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेंसे के बारे में, सो वो कल स्टोरी लगाए थे देख सकते हो, गोइंग लाइव टुडे विद द रियल ट्रूथ ऑन YT, बट वो स्ट्रीम कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कॉल स्टोरी आया था, गाइज हेल्थ हैज बीन डाउन फॉर अ वाइल, इट गॉट वर्स टुडे, आई वॉन्टेड टू क्लेरिफाई सर्टेन थिंग्स विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स, इट्स नथिंग अगेंस्ट एनी वन,
just that everyone put their point forward, so I also thought of doing the same. We will do the stream as soon as I recover. मतलब आपको पता है जो उनका ड्रीम टीम का सीन हुआ था, ब्लेज स्ट्रीम किए थे, पंक स्ट्रीम किए थे, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे सेंसी भी यहाँ पे आगे क्लियर करने वाले थे. अब तबीयत खराब था कल, सो वापस से यहाँ पे वो करेंगे जल्दी जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे कोई हेट नहीं है, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेंगे. एंड नेक्स्ट बात करते हैं BGMS के बारे में. सो देखो यहाँ पे प्राइस पूल और फॉर्मेट एग्जैक्टली रिवील नहीं हुआ है, बट कुछ चीज़ें हैं जो रिवील हुआ है. जैसे स्टार्ट तो होगा 19 जुलाई से, जो कि यहाँ पे भाई बार बार पोस्ट किया जा रहा है. कल यहाँ पे वापस से कुछ वीडियोस पोस्ट आया था, तो वीडियोस तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा. एंड एक पोस्ट आया था, देख सकते हो टाइटल स्पॉन्सर एंड्रॉयड. तो ये स्पॉन्सर है, एंड्रॉयड स्पॉन्सर है, तो मे बी चांसेस है कि जो लैन होगा उसमें सभी प्लेयर्स एंड्रॉयड पे खेले, या फिर एंड्रॉयड वहाँ रखा रहेगा सब लोग iOS में खेले, जैसे इस बार BGIS लैन हुआ था. वेल, जो भी सीन का बात चल जाएगा, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करो. एंड नेक्स्ट, कल मैंने आपको बताया था बहुत से टीम्स पे एलिगेशंस लग रहा था, जो यहाँ पे वन ब्लेड था उसमें फ्यूचर एक्स जीते थे, तो वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं. देख सकते हो सरकार ने ये पोस्ट कर दिया था, सरकार का टीम के प्लेयर है KSR क्वालिफाइड फॉर BGMS सीजन 3, मतलब फ्यूचर एक्स को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, और नेक्स्ट टीम थी टीम सरकार, तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं. तो बढ़िया है भाई, यहाँ पे नॉटविन ने एक्शन लिया. एंड इसके साथ इस बार BGMS में कुछ न्यूज़ ऐसा मिल रहा है, देख सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर रूल. अब ये कोई रूल है जो कि आने वाला है, अभी रिवील तो नहीं हुआ है बट बस नाम सुनने को मिला है. फिर उसके बाद पावर प्ले इस बार भी होने वाला है, तो यस कन्फर्म हो चुका है. मतलब जो पहला जोन रहेगा उसमें फर्स्ट एक फिनिश का 2 पॉइंट्स मिलेगा, जो कि पिछला BGMS में भी हुआ था. इस चीज़ पे जली भी यहाँ पे बताया कि अगर ऐसा रहेगा तो बोलो यहाँ पे ड्रॉप फाइट जो ले रही है, मतलब गॉडलाइक का यहाँ पे लगभग मैच में ड्रॉप फाइट होगा जो भी टीम का होगा. भाई यहाँ पे सिर्फ गॉडलाइक नहीं, तो यहाँ पे हर एक टीम के पास बेनिफिट भी होगा और लॉस भी होगा, जो टीम ड्रॉप फाइट हार जाएगी. सो डिपेंड करता है भाई यहाँ पे, देखते क्या सीन रहेगा, लेकिन हाँ मजा आने वाला है BGMS में. और जो यहाँ पे TPS राइडर हुआ था, जिसमें यहाँ पे मैंने बताया था टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई की है, जिसमें रेड डेविल्स एक टीम है जिसमें एलिगेशंस लग रहा है, और ये टीम कोई और नहीं क्रैटिक स्पोर्ट्स है जो कि BGIS खेले थे. वापस यहाँ पे नेम चेंज किए हैं, और अगर विश्वास नहीं है, प्रूफ चाहिए, तो भाई आप लोग डिस्कॉर्ड मतलब इंस्टा चेक कर सकते हो गुज्जर का, वो पूरा प्रूफ दिखाया है. तो सिंपल भाई यहाँ पे बोलो वापस से नेम चेंज करके इस बार खेल रहे हैं, और एलिगेशंस भाई बहुत सिर्फ सच POVs भी आया है, बट जितना मुझे न्यूज़ मिला शायद वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं. और देख सकते हो अभी ने ये स्टोरी लगाया था, चलो रात गई बात गई, हो गया क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन. मतलब शायद यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है वो टीम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ग्राइंड करते रहेंगे. नीचे लिखे वाना सी द परफॉर्मेंस ऑफ रेड डेविल ऑन लैन, तो यस आई थिंक कन्फर्म हो चुकी है रेड डेविल लैन में जाने वाली है. अब देखते हैं भाई जो भी सीन रहेगा, और टाइमिंग क्या होगा लैन का, तो भाई 7 बजे स्टार्ट होगा मैंने बताया था, लेकिन 6 मैच नहीं होगा. पिछला लैन में भी शायद 4 मैच हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, तो इस बार भी 4 से 5 मैच मैक्सिमम होगा, जो कि 7 to 11 का यहाँ पे टाइम है, और स्टार स्पोर्ट्स पे होगा, तो ऑब्वियसली भाई वहाँ पे शेड्यूल रहता है, वहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. सो यस ये सीन यहाँ पे फिक्स है, तो भाई मजा आने वाला है. कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट में बताना. एंड नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में. तो देख सकते हो OG ने यहाँ पे ये पोस्ट किया था इंस्टा पे, इज OG फिनिश्ड. नीचे लिखे थे हेडलाइन मे टेल वन स्टोरी बट द ट्रूथ इज फार मोर कॉम्प्लेक्स #BGMI. जो भी सीन है भाई यहाँ पे, बस अब अनाउंसमेंट आने वाला है OG का लाइनअप का, जिसमें RU के प्लेयर्स ज्वाइन करने वाले हैं. फिर वशिष्ठा स्पोर्ट्स का ये पोस्ट आया था, जहाँ पे वो लोग क्लियर किए कि ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ये तो हम लोग को पता ही था. और फिर सोमे का अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी ही मिलने वाला है टीम सोल में, तो वेट करो. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना.